हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आपको बता दें, बिहार डीएलएड एडमिशन प्रोसेस को लेकर कुछ नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो चलते हैं, देखते हैं आप वीडियो में आगे क्या क्या है चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं, इसकी साइट पर चलते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन यहाँ पर डालेंगे अगर आप साइट पर, तो ऑनलाइन अपडेट एसटीएम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले वाला लिंक ही आपको ओपन करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से साइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रेड कलर के ऑप्शन में देख रहे होंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज आपका खुल के सामने आ जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यहाँ के सारे अपडेट्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो वहाँ पर अभी भी जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हो पाया है। अभी तक वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो भी लिंक आपके साइट पर दिया जाएगा वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी भी वो साइट बंद है या फिर जो भी है एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसके बाद ही जब भी एक्टिव होगा मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूँगी। फिलहाल मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि 10 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक इसका एडमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला था 10 जनवरी से, और लास्ट डेट थी इसकी 25 जनवरी तक। लेकिन अभी तक इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बहुत जल्द ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो नहीं होते हैं उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो देख लेते हैं, इसमें आधार कार्ड लगेगा। सब लोग को पता है कि आधार कार्ड हर जगह लगता है। आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र लगेगा, अंक पत्र 12वीं का लगेगा, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा का ही अंक पत्र लगेगा, बिहार राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये डीएलएड बिहार का जो भी डीएलएड एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र होगा, चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ऑन हो वही नंबर आप दीजिएगा, अदरवाइज उसमें जो भी नोटिफिकेशन होगी वो नहीं आ पाएगी आपके पास। और यहाँ पर आपको ओबीसी और एससी एसटी के लोगों के लिए 760 रुपये है, और ओबीसी और अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 960 रुपये फीस है। एप्लीकेशन की जो फीस है वो कुछ इस तरीके से है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, लेकिन पैटर्न भी जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से पैटर्न होगा, कितना टाइम होगा आपके पास। 2.5 घंटे का आपके पास एग्ज़ाम का टाइमिंग है। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे, पेपर लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश में। टोटल क्वेश्चंस होंगे 120, टोटल मार्क्स होंगे 120 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे जो लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है कहीं ना कहीं, और इसमें नहीं है, ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस सिलेबस में चलते हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं। सामान्य हिंदी, उर्दू, गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य इंग्लिश, रीजनिंग और टोटल करके ये सारे कुछ इस तरीके से नंबर आपके स्क्रीन पर दिए हैं। और देख लेते हैं आपके, तो कुछ इस तरीके से आपके अपडेट्स हैं। और एज की बात कर लें तो इसमें ये लिखा गया है इस आर्टिकल में कि आवेदन की आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए। मतलब कि जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जिनके चल रही है एग्ज़ाम, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन परीक्षार्थी 50% 12वीं कक्षा में पास होना चाहिए। मतलब जो भी इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो 12वीं कक्षा में 50% से ज़्यादा उनका अंक होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये अपडेट है। और आने वाले टाइम में जो भी आपके लिंक अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो मैं उस पर भी आप लोगों के लिए उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, और लास्ट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी अपडेट होगी बिहार डीएलएड एडमिशन्स को लेकर वो हम आपको अपडेट जल्दी से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अदरवाइज अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ये थी आज की हमारी नोटिफिकेशन वीडियो। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।